जब शाहरुख खान के क्लास का एटली के मास्क के साथ डेडली कॉम्बिनेशन हुआ, तब जवान जैसा मॉन्स्टरस प्रोजेक्ट निकल के आया। और जिस तरह से इस टाइटल टीजर के अंदर शाहरुख खान का लुक दिखाया है, ऐसे डेडली और किलर लुक में आज तक किसी ने भी शाहरुख खान को प्रेजेंट नहीं किया। ऊपर से अनिरुद्ध का पावरफुल सेक्सी बैकग्राउंड म्यूजिक इस टीजर को पूरी तरह से क्लासी और मासी बनाता है। शाहरुख खान की जवान ये मूवी एक ट्रू पैन इंडिया मूवी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही चलेगी, क्योंकि एटली ने इस मूवी के लिए बहुत ही जोरदार तैयारी कर ली है। क्या साउथ क्या नॉर्थ, हर जगह ये मूवी झंडे गाड़ने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर थलपति विजय का भी कैमियो होने वाला है। और ये दो बड़े सुपरस्टार को एक साथ एक ही स्क्रीन पे कौन नहीं देखना चाहेगा। और शाहरुख खान के इस किलर लुक से पता चल रहा है कि एटली किस लेवल पे शाहरुख खान का यूज कर रहे हैं। बंदा ऑडियंस के नस नस से वाकिफ है। और तुम्हें एटली क्या चीज है ये बात नहीं पता, तो एक बार थलपति विजय की बिगिल, मेरसल और थेरी मूवी देख लेना। और जिसने भी इस बंदे की मूवीज देखी है वो अंदाजा लगा सकता है कि क्या बवाल होने वाला है। और इस बार तो बंदा सीधे शाहरुख खान के साथ काम कर रहा है, और साथ में अनिरुद्ध भी है इस मूवी के अंदर, यानी पूरी क्रिएटिविटी एटली के कंट्रोल में है। और जिस तरह से अनिरुद्ध म्यूजिक देता है, ये बंदा पूरे थिएटर को आग लगा सकता है। बात करें इस टाइटल टीजर की, तो शाहरुख खान का पूरी तरह से फेस ढका हुआ है, पर इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का सॉल्ट एंड पेपर वाला सेक्सी सा लुक होने वाला है, और ये चीज टीजर में हमें दिखती भी है। और शाहरुख खान का ये कैरेक्टर एक रॉ एजेंट होने वाला है, और इस मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल तो कंफर्म ही है, जो कि एटली की मूवी की खासियत है, और यही चीज इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। और जिस तरह से टीजर निकल के आया है, ये तो शोर है कि मूवी के अंदर कड़क एक्शन होगा, ऊपर से कड़क कड़क खूबसूरत परियां भी होगी, यानी मूवी के अंदर नयनतारा और सानिया मल्होत्रा है जो इस मूवी को ग्लैमर देगी। और जवान के ट्रेलर को देख के लिटरली सच में खुशी हुई, कोई तो ऐसा डायरेक्टर मिला जो शाहरुख खान के अंदर का बेस्ट निकाल सके। और जवान के टीजर को देख के ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान अब झुकेगा नहीं। एक तरफ शाहरुख खान की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, दूसरी तरफ एटली का पावर डायरेक्शन। अब जिस तरह से शाहरुख खान को लेके बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने गलतियां की थी, प्रेशर में आके क्रिएटिविटी की माँ बहन एक कर दी थी, जिस वजह से शाहरुख खान की अच्छी अच्छी मूवीज फ्लॉप हुई, जो टेक्निकली काफी जबरदस्त थे, पर उन मूवीज की जो स्टोरी टेलिंग थी वो काफी खराब थी। और मैं होप करता हूँ कि एटली ऐसे किसी भी प्रेशर में ना आए और अपनी क्रिएटिविटी खुल के दिखाए। जिस तरह से वो थलपति के साथ मूवीज बनाते थे, उसी तरह से SRK के साथ बनाए, तब पूरे इंडिया में साउथ से लेकर नॉर्थ तक आग लगेगी बॉक्स ऑफिस पर। इस बात पे तुम क्या सोचते हो ये कमेंट करके बताना। इसी के साथ वीडियो दिल पे लगी हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठी हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। रेडी।